हमीरपुर कांग्रेस संगठन के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़े औहदे पर विराजमान सुजानपुर के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के बेटे के कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया, जिसको लेकर चर्चाएं सुजानपुर में काफी गर्म हैं। आपको बता दें कि सुजानपुर के चिल्ड्रन पार्क में आयोजित रक्तदान शिविर, जिसका आयोजन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सुजानपुर में हाल ही में बीड़ बगेड़ा से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले लेखराज ठाकुर के बेटे गौरव ठाकुर ने आयोजित किया था। उस रक्तदान शिविर का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया। और सबसे बड़ी बात, जिस ट्रस्ट के शुभारंभ अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे थे, उस ट्रस्ट को लेखराज ठाकुर की स्वर्गीय धर्मपत्नी सुमन कुमारी के नाम पर रखा गया था। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े कार्यक्रम में कोई भी कांग्रेस का नेता मौजूद नहीं था, जबकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा सुजानपुर के ही निकटवर्ती क्षेत्र में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा को सम्मानित किया गया था। लेकिन उनके खास सिपासलार और सर्व कल्याणकारी संस्था के अब जिला अध्यक्ष लेखराज ठाकुर की दिवंगत पत्नी की याद में लगाए गए शिविर में कोई भी कांग्रेसी नहीं पहुंचा, जिसको लेकर काफी चर्चा रही। आपको बता दें कि गौरव ठाकुर चंडीगढ़ में स्वास्थ्य केंद्र PGI में कार्यरत है और लेखराज ठाकुर के छोटे बेटे हैं। गौरव ठाकुर ने अपनी स्वर्गीय माता सुमन कुमारी के नाम पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट चला रखा है। इस ट्रस्ट के माध्यम से वे समाज सेवा, रक्तदान शिविर सहित अन्य सामाजिक कार्य करते हैं। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का रक्तदान शिविर उनकी संस्था ने पहली बार लगाया है, जबकि चंडीगढ़ में वे लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। गौरव ठाकुर के साथ इस मौके पर विशेष रूप से लाइजनिंग ऑफिसर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष अधिकारी, वर्तमान में चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में बतौर OSD पद पर तैनात विक्रम राणा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सामाजिक कार्य एवं इस तरह के रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए गौरव ठाकुर की पीठ थपथपाई और उन्हें बधाई देते हुए कहा कि वे अपना और अपने परिवार के नाम को रोशन कर रहे हैं।